तो आज की वीडियो के अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे अच्छे अपडेट्स भी है और कुछ बुरे अपडेट्स भी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारी मांगा की न्यूज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मांगा फैंस के लिए सबसे ज़्यादा बुरी न्यूज़ है, क्योंकि सबसे पहली मांगा आती है डोंट टॉय विथ मी मिस नागाटारो की मांगा को लेकर, जो यहाँ पर अब ऑफिशियली तौर पर एंड हो चुकी है। और हाँ, फाइनली ये मांगा एंड हो चुकी है, जिसके एंड होने के बाद जिसके फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और यहाँ पे इसकी मांगा एंड हो चुकी है, तो अगर आप लोग इसकी मांगा को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें जो आता है अपना चेंजसो मैन का मांगा, क्योंकि अपने चेंजसो मैन मांगा का जो वॉल्यूम 18 है उसका फर्स्ट लुक निकल के आ चुका है। अब वैसे सच कहूँ तो यहाँ पे चेंजसो मैन की मांगा के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी सिर्फ डिप्रेशन, दुख, दर्द बस यही है। इसलिए पता नहीं यार चेंजसो मैन मांगा फैंस को भी कितना सफर करना होगा। बट एनीवेज, यहाँ पे जो मांगा फैंस सबसे ज्यादा सफर करते हैं वो है अपने बजर के मांगा फैंस, क्योंकि बजर का न्यू चैप्टर तो आता ही नहीं है कभी भी। और यहाँ पे इस बार फिर से वैसा ही हुआ, क्योंकि बजर का जो न्यू चैप्टर है वो फिर से ब्रेक पे चला गया है। और अब बजर का जो न्यू चैप्टर है वो आप लोगों को 9 अगस्त को देखने मिलेगा, जो कि देखने मिलेगा भी या नहीं वो भी कंफर्म नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से बजर फैंस को तो अब इसकी आदत हो गई होगी। बट एनीवेज, हम लोग अपने सैड न्यूज को कंटिन्यू रखे तो नेक्स्ट न्यूज आती है अपने एक जैपनीज वॉइस एक्ट्रेस को लेकर, जो अपने डोरेमोन के अंदर नोबिता को वॉइस देती है, और इनका नाम है नोरिको ओहारा, जो अनफॉर्चुनेटली 12 जुलाई को 88 की एज में चल बसी, जो एक्चुअली में काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डोरेमोन के अंदर नोबिता को वॉइस दी है। और अगर ये नोबिता को वॉइस ना देती तो यहाँ पे डोरेमोन शायद ही इतना पॉपुलर हो पाता, और डोरेमोन अगर जापान के अंदर पॉपुलर ना होता तो फिर हमें ये इंडिया के अंदर भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए इन्हीं की वजह से सबका बचपन यहाँ पे बना है। इसलिए मैं तो बस यही प्रे करूंगा कि गॉड इनकी आत्मा को शांति दे। बाय द वे, आप लोग भी कमेंट में जाकर रेस्ट इन पीस लिख सकते हो। अब ऐसे देखा जाए तो काफी ज्यादा इस सैड न्यूज के बारे में हम लोग लगातार बात करते ही जा रहे हैं। बट यहाँ पे एनिमे के अंदर भी कुछ सैड न्यूज के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे 86 के न्यू सीजन के बारे में हम लोग बात करे थे कि 86 का जो न्यू सीक्वल है वो शायद अनाउंस हो सकता है, जिस पर मैं बता दूं कि 86 का जो सीक्वल है वो यहाँ पे अनाउंस नहीं होने वाला है, जिस पर ये भी काफी ज्यादा ही बुरी न्यूज है। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अपने एक और एनिमे के बारे में जो शायद आप लोग का फेवरेट होगा, बट जापान के अंदर देख लगता है कि एनिमे फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे काइजो नंबर 8 एनिमे की जो फर्स्ट वीक की ब्लू रे डीवीडी की जो सेल्स है वो निकल कर आ चुकी है। जहाँ पे इसके ब्लू रे डीवीडी के वॉल्यूम 1 ने कितना सेल किया होगा आपको पता है, इसने फर्स्ट वीक के अंदर सिर्फ 445 कॉपीज ही सेल की, जो देखा जाए तो ये एक्चुअली में काफी ज्यादा ही कम नंबर है। और सच कहूँ तो देख के लगता है कि शायद जापानी लोगों को एक्शन एनिमे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोसुकु टेंसाई पार्ट 2 के वॉल्यूम 1 के सेल्स के बारे में बात करें, जहाँ पे इसने फर्स्ट वीक के अंदर 3000 से ज्यादा कॉपी सेल कर दी, जिस पर हाँ यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। इसलिए हो सकता है कि शायद जापानी लोगों को क्यूट लड़की देखना ज्यादा पसंद है अगर कंपेयर करें एक्शन एनिमे से तो। अब ऐसे यहाँ पे ये सेल्स तो ऊपर नीचे होते रहेगी। लेकिन इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक और मांगा के बारे में बात करें जो अब एंड होने ही वाली है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माहिर एकेडमिया की मांगा के बारे में, जहाँ पे एमएचए की मांगा एंड तो होने वाली है, बट यहाँ पे एमएचए मांगा के जो क्रिएटर है यानी कोही होरिकोशी, तो यहाँ पे उनका रिसेंटली में एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे उनसे पूछा गया था कि उनके लिए एक हीरो का मतलब क्या होता है। जहाँ पे एमएचए फैंस आप लोग पता है उन्होंने क्या कहा, अपने एमएचए के जो क्रिएटर है उन्होंने ये कहा कि उनके लिए हीरो मांगा इंडस्ट्री के अंदर ओडा सेंसे है, जहाँ पे ओडा सेंसे अपने जो वन पीस क्रिएटर है। और अगर फिक्शनल कैरेक्टर बारे में बात करें, जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर में गोकू जो ड्रैगन बॉल्स है उसको वो एक हीरो की तरह देखते हैं, और बेसिकली इनके लिए जो रियल हीरो है वो है अपने ओडा सेंसे और गोकू, जिससे ही पता चलता है कि यहाँ पे ये ओडा सेंसे और यहाँ पे ड्रैगन बॉल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है। साथ में इसके अलावा हम लोग एक और एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है द एपोथेकरी डायरीज, जिसका हमें एक सीजनल विजुअल भी देखने को मिला है, साथ में जिसका सीजन 2 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 2025 के लिए। और इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी एनिमे के बारे में बात करें, जैसे लीकोज रिकॉयल एनिमे के बारे में बात करें, जिसको यहाँ पे 6 न्यू स्लाइस ऑफ लाइफ शॉर्ट स्टोरी एपिसोड्स मिलने वाले हैं, या फिर आप लोग इनको शॉर्ट मूवीज की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, जहाँ पे ये जो ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म्स होंगी उनका प्रोजेक्ट तो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और साथ में जो इसके 6 न्यू शॉर्ट एपिसोड्स बनाए जा रहे हैं उनमें से हर एक एपिसोड के अंदर अलग अलग क्रिएटर रहेंगे चार्ज ऑफ डायरेक्शन और स्टोरी बोर्ड्स के लिए, जिस पर देख के लगता है कि शायद लीकोज रिकॉयल वाले यहाँ पे कुछ अलग करना चाह रहे हो। लेकिन इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अपनी एक कॉमिक के बारे में बात करें जो आती है अपने नारुतो एक्स टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की क्रॉसओवर वाली कॉमिक, जिसका हमें एक न्यू पोस्टर देखने को मिला है, और यहाँ पे न्यू पोस्टर सच बता रहा हूँ काफी सही लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो कॉमिक होने वाली है इसके शायद 4 इशूज बनाए जाएंगे, जहाँ पे ये कॉमिक अगर आप लोगों को देखनी है तो ये आप लोगों को फॉल 2024 में देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए नारुतो फैंस आप लोग रेडी रहना। साथ में यहाँ पे नारुतो के अलावा यहाँ पे हम लोग बात करें ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के बारे में,
हैं, जहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 3 के लिए तो लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे ब्लीच के कोर 3 को लेकर एक और आप लोगों को एक स्पेशल अपडेट बताऊं, तो यहाँ पे ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के थर्ड कोर के अंदर जो फाइट्स होने वाली है, उन सभी फाइट में जो एक्सप्लोजन आप लोगों को देखने मिलेगा, मतलब जो धमाका होता फाइट में, उसके अंदर यहाँ पे AI को यूज किया जाएगा। जो यहाँ पे ये अच्छा डिसीजन है या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट यहाँ पे अगर इसकी एनिमेशन टीम ने अच्छे तरीके से AI का यूज किया तो यहाँ पर ये लोग काफी सही एनिमेशन कर सकते हैं। इस पर आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। साथ में हम लोग यहाँ पे एनिमेशन वगैरह के बारे में बात कर ही रहे, तो यहाँ पर हम लोग अपने सबसे बेस्ट एनिमेशन वाले एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है डीमन स्लेयर। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि डीमन स्लेयर का जो लास्ट एपिसोड था हार्स्टर ट्रेनिंग आर का, वो वाला एपिसोड 9.8 रेटिंग के साथ था, बट जब वन पीस का शैंक्स वाला एपिसोड आया तब उस एपिसोड ने उसको टेक ओवर कर दिया और शैंक्स वाला एपिसोड नंबर 1 पर 9.9 रेटिंग के साथ आ चुका था, जो इस साल का सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड हुआ करता था, वो अब यहाँ पे 9.9 रेटिंग से हटकर 9.7 रेटिंग पर गिर चुका है। जहाँ पे इसी के साथ डीमन स्लेयर सीजन 4 का जो लास्ट एपिसोड है वो फिर से नंबर 1 पर आ चुका है। जिस पे सच कहूं तो यहाँ पे इसमें कुछ मुझे खास बुरा नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे मैं एक वन पीस फैन हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जो डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड था वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए डीमन स्लेयर सीजन 4 का जो फाइनल एपिसोड था वो तो मेरे लिए अभी भी इस साल का सबसे बेस्ट एपिसोड है। इसमें मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर ये डिजर्व तो करता ही है, लेकिन आप लोग का जो भी ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में जाकर शेयर कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे डीमन स्लेयर को अभी साइड में रखे और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में, जिसको अगर आप लोग को फुल HD क्वालिटी में फ्री में देखना है तो यहाँ पे बता दूं कि ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 1 है वो अब आने वाला है JioTV+ और JioTV पर, और साथ में सैमसंग TV+ के ऊपर ये एनिमेक्स पे आएगा। और जहां तक बात रही कि आएगा कब, तो ये 23 अगस्त से आने वाला है, जहां पे ये हर दिन शाम के 7 बजे आएगा। और अगर आप लोग को ब्लैक क्लोवर को देखना है तो आप लोग इसको जापानीज प्लस इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो, जो हाँ फ्री में फुल HD क्वालिटी के साथ दिखाया जा रहा है, तो आप लोग लीगली सपोर्ट कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो आता है अपने जियो सिनेमा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जियो सिनेमा के ऊपर तो डीमन स्लेयर का हिंदी डब आ रहा है, तो यहाँ पे सीजन 1 के आने के बाद हम लोगों को काफी कमाल की डबिंग देखने मिल रही है। और कल के दिन तो हम लोगों को फाइनली अपने मुजान जैक्सन की वॉइस सुनने मिली, जहाँ पे मुजान जैक्सन की वॉइस सुनकर तो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे, और वो भी क्यों ना, क्योंकि मुजान जैक्सन को हमारे और कोई नहीं संकेत माथुर सर वॉइस दे रहे, जिनकी वॉइस सच कहूं तो काफी ज्यादा ही बैडेस्ट साउंड करी है, और यहाँ पे मुजान के लिए वॉइस काफी सही भी लग रही है। इसलिए आप लोग डीमन स्लेयर के सीजन 1 को अभी आप लोग अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में अभी और भी कैरेक्टर्स आएंगे जिनकी वॉइस रिवील करनी बाकी है, और उनकी वॉइस भी मैं शोर होकर कहता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसलिए डीमन स्लेयर जियो सिनेमा के ऊपर अभी फ्री में हिंदी डब में आ रहा है, तो आप लोग इसको खुल के सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बेकार डबिंग को सपोर्ट करने से अच्छा क्वालिटी डबिंग को सपोर्ट करो, तो ज्यादा फायदा होगा हमें। इसलिए आप लोग को डीमन स्लेयर के अंदर मुजान की वॉइस कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। अब साथ में यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन तो अपनी कमाल की डबिंग के साथ हमें इंप्रेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हर चीज वो अच्छी करे वो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि म्यूज कम्युनिकेशन और जियो सिनेमा वाले तो हमें डीमन स्लेयर का कमाल का डब दिखा रहे, बट इसका प्रमोशन कौन करेगा वो मैं जानना चाहता हूँ। अब हालांकि बहुत सारे लोग फिर भी बोलते हैं कि प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह, तो देखो यहाँ पे प्रमोशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी एनिमे को, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि डीमन स्लेयर का हिंदी डब यहाँ पे जियो सिनेमा पर आ रहा है। और एग्जांपल के लिए मैं आप लोग ये चीज बताऊं, तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी एनिमे का प्रमोशन नहीं करते हो तो उसको बेकार रिस्पॉन्स मिलता है। और मैं आप लोग को प्रूफ दिखाऊं, तो यहाँ पे प्रूफ के तौर पर तो अपनी स्पाइक्स फैमिली कोड वाइट मूवी है, जहाँ पे एक तो इस मूवी को इतना ज्यादा लेट रिलीज किया गया इंडिया में, ऊपर से इस मूवी की PVR वालों ने ना के बराबर प्रमोशन की, और इतना कुछ ना करने के बाद अब आप लोग पता है इसका रिजल्ट क्या मिला। यहाँ पे इस मूवी को इतना बेकार रिस्पॉन्स मिला कि इस मूवी को सिर्फ वीकेंड्स तक ही दिखाया गया, मूवी रिलीज होने के स्टार्टिंग 3 डेज बस मूवी को थिएटर में दिखाया गया, उसके बाद से इस मूवी को थिएटर में से ही हटा दिया गया, जिससे यहाँ पता चलता है कि इस मूवी को हमारी सोच से भी ज्यादा घटिया रिस्पॉन्स मिला है। और यहाँ पे सच कहूं तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई एनिमे मूवी 1 हफ्ते भी नहीं हुई रिलीज हुए उसको 3 दिन में ही हटा दिया गया, और यहीं से पता चलता है कि प्रमोशन करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक्स फैमिली ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और अगर उसका प्रमोशन करते तो शायद मूवी चलती भी, बट यहाँ प्रमोशन नहीं किया तो देख लो इस मूवी का क्या हाल हुआ। इसलिए यहाँ पे डीमन स्लेयर जैसा एनिमे जो इतना ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे अभी वो जियो सिनेमा पर आ भी रहा है, तो यहाँ पे मैं होप करूंगा कि म्यूज कम्युनिकेशन वाले और जियो सिनेमा वाले इसको प्रमोट करें, जिससे यहाँ पे डीमन स्लेयर का हिंदी डब और भी इंडिया में लोग देखे। साथ में म्यूज कम्युनिकेशन और जियो सिनेमा के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया है, बट यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन के अपडेट्स खत्म नहीं हुए, क्योंकि यहाँ म्यूज कम्युनिकेशन ने अभी हाल फिलहाल में एक एनिमे डब किया था जिसका नाम है द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज़ स्लाइम, जिसका सीजन 1 यहाँ पे न्यूज इंडिया के चैनल पर आ रहा था हिंदी डब में, बट गेस व्हाट, जिसका सीजन 1 है वो अब हिंदी डब में खत्म हो चुका है। और यहाँ पे अब आप लोग पूछोगे सीजन 2 कहाँ गया, तो वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, उसका सीजन 2 तो हिंदी डब में उन लोगों ने अनाउंस ही नहीं किया, उन लोगों ने सीजन 2 की जगह आप लोग पता है क्या अनाउंस कर दिया है, एक न्यू एनिमे जिसका नाम है मोसुकु टेंसाई। मोसुकु टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन का जो सीजन 1 है वो अब हिंदी डब के साथ आप लोगों को रोज रात के 8 बजे न्यूज इंडिया के चैनल पर देखने मिलेगा। बट इसके अलावा जो स्लाइम सीजन 3 के बारे में जो मुझे गट फीलिंग हो रही थी वो भी यहाँ पे अब सर्च होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सीजन 2 का तो हिंदी डब अनाउंस किया नहीं,
ऊपर से सीजन 1 की हिंदी डब को दिखाने के बाद इरो सीजन 3 का हिंदी डब दिखा रहे हैं, और इसका मतलब यही है कि जो हिंदी डब एनीमे फैंस है वो तो कंफ्यूज ही होंगे, और इसीलिए देख लो जो मैंने बोला था वो सच हो गया। यहाँ पे म्यूज इंडिया वालों ने हमारा मोई मोई कर दिया है, और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ और एक बार फिर से कहूंगा कि आप लोग प्लेटफॉर्म वालों के ऊपर भरोसे मत बैठो, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म वालों को कोई मतलब नहीं होता है, वो कोई भी सीजन उठा के दिखा देंगे आप लोगों को। और एनीमे कोई कार्टून तो नहीं है कि आप लोग कोई भी एपिसोड देख लो तो आप लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एनीमे देखने के लिए आप लोग सीजन 1 देखना पड़ता है, फिर सीजन 2, फिर सीजन 3, ऐसे करते करते ही एक एनीमे की स्टोरी समझ में भी आती है। बट यहाँ पे जो हिंदी डब एनीमे फैंस है मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तीन तरीके से एनीमे देखने की आदत डालो, पहला हिंदी डब में देखो, फिर दूसरा इंग्लिश डब में एनीमे देखने की आदत डालो, और तीसरा सबटाइटल में एनीमे देखने की आदत डालो, तभी आप लोग अपने एनीमे को एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि अब स्लाइम एनीमे का सीजन 2 कब आएगा वो तो म्यूज इंडिया वाला ही जाने, इसलिए अगर आप लोग स्लाइम एनीमे को कंटिन्यू करना है तो आप लोग अब सबटाइटल में ही कर सकते हो, और जब सीजन 2 कंप्लीट कर लो तो सीजन 3 को आप लोग फिर हिंदी डब में देखना। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई न्यू एनीमे हिंदी डब में देखना है तो आप लोग मोसुकु टेंसाई के एनीमे को देख लो। अब हालांकि ये भी हमारा एक इसेकाई एनीमे है, बट ये कोई नॉर्मल इसेकाई एनीमे नहीं है, और नॉर्मल भी छोड़ो ये वैसा एनीमे है ही नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि इस एनीमे का जॉनर आप लोग खुद देख सकते हो कि क्या है। मतलब लास्ट वाला वर्ड देखो जो है एची, और एची जॉनर एनीमे का मतलब वही होता है जो आप लोग सोच रहे हो। यहाँ पे इस एनीमे की वॉइस एक्टिंग के ऊपर खास कर ध्यान रखना होगा, स्पेशली इस एनीमे को आप लोग अकेले ही देखना और हेडफोन लगा के ही देखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस एनीमे के अंदर ऐसे बहुत से सीन है जो आप लोग अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। और इसके अलावा बस मैं होप करता हूँ कि इसका हिंदी डब अच्छा निकले, इसलिए फिलहाल के लिए आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा होगा, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।